कौसर की रसोई में आप सभी का वेलकम है। आज मैं अपने रसोई में बनाने वाली हूँ कच्चे उड़द दाल की ग्रेवी वाली सब्जी। इसे हमारे यहाँ डुबकी भी कहा जाता है। उसके लिए 150 ग्राम उड़द के दाल ले लिए थे, फुला करके रखे हुए थे 2 घंटे के लिए। इस तरह से फूल गए हैं, देखिए इस तरह से फूल गए हैं। इसे मिक्सर में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। और यहाँ 2 टमाटर ले लिए हैं, 2 प्याज ले लिए हैं, इसे भी पीस लेंगे थोड़ी सी पानी दे करके। ये पॉट ले लिए हैं मिक्सर के, मोटे मोटे टुकड़ों में प्याज काट लेंगे। थोड़ी सी पानी दे करके इसे पीस लेते हैं। इस तरह से टमाटर और प्याज को पीस लिए हैं। और ये उड़द के दाल हैं जो भिगो करके रखे थे, उसे भी इस तरह से ना ही गाढ़ा ना ही पतला। चलिए बनाना शुरू करते हैं। 3 चम्मच इतना तेल ले लिए हैं। जीरा डाल देते हैं, सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाल दिए हैं। 1 चुटकी हींग डाल देते हैं, 2 तेज पत्ता डाल देते हैं। ये पिसी हुई टमाटर और प्याज के जो पेस्ट है वो डाल देते हैं। दो चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से भून लेंगे। भून चुके हैं, मिर्चा पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, और ये जीरा पाउडर 2 चम्मच भून लेते हैं। सारे मसाले भून गए हैं अच्छे से। ये पिसी हुई उड़द के दाल में थोड़ी सी भुनी हुई मसाला ले लेंगे। इस तरह से 2 चम्मच जितना मसाला भुना हुआ दाल में ले लिए हैं। पानी डाल देते हैं, 1 गिलास पानी, आधे गिलास पानी और ले रहे हैं। 1.5 गिलास पानी हो गया है। स्वाद के अनुसार नमक ले लेते हैं जितना में टेस्ट आ जाए। इसे ढक करके उबाल आने तक छोड़ देंगे चूल्हे पर। इसमें स्वाद के हिसाब से इसमें भी नमक ले लेते हैं जो पिसी हुई दाल है। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इस तरह से पूरे मसाले में दाल को मिला लिए हैं हाथों की मदद से। इस तरह से इतना छोटा छोटा डालते चले जाएंगे। धीमी ताव नहीं रखें, तेज ताव रखें। हमारे यहाँ इसे चावल के साथ खाए जाते हैं। सभी पिसी हुई दाल को इस तरह से मसाले के अंदर डाल दिए हैं। देखिए ढक करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम ताव पे। 10 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं, बहुत अच्छे से पक चुके हैं। हमारी सब्जी बनकर के तैयार है। मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों परिवारों में शेयर कीजिए।